वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ओरिडो का रिचार्ज करने के लिए लेके आया हूँ कि ओरिडो का रिचार्ज कैसे करते हैं। अगर आप कुवैत में हैं, अगर ओरिडो का सिम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेट तो अभी बहुत महंगा हो गया है, लेकिन जो ओरिडो का ये जो सिम है, ओनली फॉर जो नेट के लिए जो सिम आता है, इसमें थोड़ा सा सस्ता है। पहले 8 KD में 300 GB देता था 3 महीने के लिए, 90 डेज के लिए, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो गया है। इसका भी 10 KD में 300 GB देता है 90 डेज के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए। तो इसको आप कैसे रिचार्ज करेंगे, मैं बहुत सारे आदमी के यहाँ से सुना कि लोग बोलते हैं कि यार अभी यार ये रिचार्ज नहीं मिलता है, दुकान में जाओ तो दुकान वाला बोलता है डायरेक्ट सिम ले लो भाई नया। तो दुकान वाले को नया सिम बेचने में भाई ज़्यादा प्रॉफिट है, रिचार्ज करने में कम प्रॉफिट है, इसीलिए वो रिचार्ज नहीं करते, डायरेक्ट आपको नया सिम चिपका देते हैं। तो इसीलिए आप क्या करना, अगर आपके पास ओरिडो का सिम है तो आप सिंपल सा आप रिचार्ज करने के लिए क्या करें, दुकान वाले से सिम उनको बोले कि भाई हमारे मोबाइल में मेन बैलेंस डाल दो, उसके बाद आप खुद गूगल से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं तो ओरिडो ऐप से भी रिचार्ज कर सकते हैं डाउनलोड करके, प्ले स्टोर में इसका ऐप मिल जाएगा। अगर वो वीडियो को चलिए हम देखते हैं कैसे रिचार्ज करेंगे, इसका ऑफर आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप गूगल में जाइए, myorido.com लिखिए, यहाँ पे मैं गूगल में लिख दिया हूँ। उसके बाद फर्स्ट ऊपर वाला पेज पे ये आता है, फर्स्ट ये ऊपर वाला पेज में आ जा रहा है माई ओरिडो कुवैत। ये तो ऐप है, आप यहाँ प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल से भी। और उसके बाद ये लॉगिन करने के लिए बोलता है, अगर आप नया है, अगर लॉगिन नहीं किए तो आपको लॉगिन करना चाहिए। आपका नंबर डालेंगे, उसके बाद वो OTP पासवर्ड भेजेगा, वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपको वो चालू हो जाएगा। पहले हम चलते हैं ओरिडो होम में, इस तरीके के ओरिडो होम में जाएंगे। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, ओरिडो का एक और प्रॉब्लम है कि सब जगह पे उतना बराबर नेट काम नहीं करता है। ये हमारा ओरिडो का जो साइड है वो ओपन हो गया। इसके बाद हम ये साइड में जो यहाँ पे 3 डेट्स दिए हुए हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। हमारे कर्सर को ध्यान दीजिए, इसको क्लिक करने के बाद ये अभी ओपन हो रहा है। अभी थोड़ा नेट यहाँ पे स्लो है हमारे रूम में, अभी इसके बाद ये इसको क्लिक करने के बाद यहाँ माई अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप पहले से लॉगिन किए हैं तो ही आएगा, अगर नहीं लॉगिन किए हैं तो आपको पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना चाहिए। माई अकाउंट में आएंगे, इस तरीके का। अभी देखिए मेरा जो है वो ओपन हो गया, मैं कितना GB का नेट एक्टिवेट किया हूँ, ये देखिए 300 GB है मेरा 90 डेज के लिए, अभी 50 डेज मेरा बचा हुआ है। ये 10 KD का मैं रिचार्ज किया था। उसी तरीके से इसको अगर आपको रिचार्ज करना है तो इसी तरह हम नीचे आएंगे अपने मोबाइल में, इस तरीके से नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे सब ऑफर हमारे पास जो भी प्लान है वो दिखा रहा है। 55 KD में 1 ईयर के लिए मिलेगा आपको 100 GB, यहाँ पे देखिए 12 मंथ लिखा हुआ है 55 KD में। 1 TB मिलेगा, 1 TB ये 12 KD में है 90 डेज के लिए, ये कुछ और प्लान हो सकता है। और यहाँ पे दे रहा है 300 का, यहाँ पे दे रहा है 300 का रिचार्ज, सॉरी 300 GB का रिचार्ज करने के लिए। ये 300 GB में 4G नेट मिलेगा आपको, 300 GB का नेट मिलेगा 10 KD में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये लोग लिख दिया है, तो 300 GB का रिचार्ज करने के लिए आपको 300 GB का वैलिडिटी होगा 90 डेज, यानी कि 3 महीने इसका वैलिडिटी होगा, 10 KD का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अभी रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर सब्सक्राइब प्रेस करेंगे उसके बाद और एक बार आपसे कन्फर्म करेगा, आपका रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन आपके मोबाइल में जो है 10 KD बैलेंस होना चाहिए, तभी ये रिचार्ज हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा एक और बात है, ये सी ओरिडो में का दो टाइप का सिम होता है, एक तो ओनली फॉर नेट के लिए होता है, एक आदि वाला जो नंबर होता है उसमें जो कम नेट मिलता है वो, ये जो ऑफर है हर एक सिम में अवेलेबल नहीं होता है, ओनली फॉर जो नेट के लिए जो सिम आता है उसी पे अवेलेबल होगा। तो आप दुकान में जाएं, एक बार आप सिर्फ दुकान वाले को बोल करके ओनली फॉर नेट के लिए जो ओरिडो का सिम है वो यूज खरीद लें, उसके बाद इस तरह आप हर महीने रिचार्ज करके आप चला सकते हैं। और दूसरा एक और बात है कि एक और तरीका है इसको रिचार्ज करने का, चलिए।
का रिचार्ज करने का एक और तरीका है, चलिए उसको देखते हैं हम। देखिए आपके मोबाइल में इस तरीके का दिखाई देता होगा, या सिम का सिम आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, या ओरिडो लिखा हुआ है। जो भी आदमी ओरिडो का सिम यूज करता है उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक ये आइकॉन रहते हैं, ये ऐप रहेंगे। ऐप नहीं है इसका, जो साइड है इसको ओपन करते हैं हम। चलिए ओपन किए, अगर आपको अरबी आता है तो अरबी प्रेस कीजिए, नहीं तो हम इंग्लिश प्रेस करेंगे। इस तरीके से इंग्लिश प्रेस कर दिया, उसके बाद ये ऑफर का जो आइकॉन दिख रहा है ऑफर का क्लिक करेंगे, उसके बाद माई नेट क्लिक करेंगे, या तो माई ऑफर करते हैं, माई नेट करेंगे, सॉरी माई नेट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिए आ गया। अभी देखिए यहाँ पे ऑफर शो कर रहा है, बंडल टू एडॉन्स, तो हमें फर्स्ट नंबर वाले पे क्लिक करना है। एक बार ये वन दाब करके हम इसको सेंड करेंगे, ये फर्स्ट वाला नंबर पे वन दाब के हम यहाँ से सेंड करेंगे। देखिए हम सेंड करेंगे तो क्या हमारे नंबर पे जो भी ऑफर्स है वो बता रहा है हमको। तो यहाँ पे 5 KD में 220 GB मिलेगा उसके लिए है, और उसके बाद एक और ये 30 GB के लिए नेट है 2 नंबर पे, 3 नंबर में 1 TB के लिए, 4 नंबर पे 300 GB के लिए है 4G नेट मिलेगा आपको। तो अगर हम 4 प्रेस करके, देखिए यहाँ पे 4 4 नंबर्स में है, अगर हम 4 प्रेस करके सेंड करते हैं, देखिए क्या बताता है। 4 प्रेस करेंगे उसके बाद फिर इसको हम सेंड सेंड करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है। सेंड किया, देखिए यहाँ पे बता रहा है 300 GB इंटरनेट वैलिड फॉर 90 डेज, यानी कि 3 महीने के लिए आपको ये नेट मिलेगा 10 KD का। बाय करने के लिए आपको यहाँ पे एक वन प्रेस करना है, उसके बाद सेंड कर देना है, आपके पास ये रिचार्ज एक्टिवेट हो जाएगा, आप उसके बाद नेट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके मोबाइल में 10 KD बैलेंस होना चाहिए, इसी तरह आप रिचार्ज कर सकते हैं। आप दुकान में जाए, डायरेक्ट दुकान वाले को बोले कि भाई हमको हमारे मोबाइल में 10 KD का रिचार्ज मार दो, मेन बैलेंस हमको आना चाहिए। उस तरह आप घर बैठे इस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी रिचार्ज होता है। अभी लॉकडाउन है तो आप ऑनलाइन भी एक साइट से जाकर रिचार्ज कर सकते हैं अपने कार्ड से, लेकिन ये ओनली फॉर नेट का जो सिम है उसी में चलेगा। दूसरा रूडो का दूसरा वाला जो सिम आता है ये ओनली फॉर जो नेट का सिम है, इस पे लोकल कॉल का कोई सिस्टम नहीं होता है, नहीं कहीं से आपका नंबर पे जो 8 डिजिट का जो नंबर होता है उस पर कोई कॉल करेगा तो नहीं आएगा। व्हाट्सअप ईमो जो भी नेट का कॉल है पूरा आएगा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आपके नंबर पे कोई कॉल करेगा तो नहीं कॉल जाने वाला है। तो इसी तरह आप जा करके दुकान से पहले पता करके बराबर सिम खरीदें, नहीं तो मालूम पड़ा आप दूसरा वाला सिम खरीद लिया और उस पर आके एक्टिवेट करेंगे तो होगा नहीं। इसलिए ओनली फॉर नेट के वाला ही सिम यूज करें, वही सिम खरीदें, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। जो भी आदमी बाहर का है यहाँ पे नेट यूज करता है उसके लिए अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।